हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि मोबाइल का जो लॉन्चर आप उसको किस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 11 के साथ ही वीवो के जो मैक्सिमम जो फ़ोन है उनमें इस तरह का लॉन्चर देखने को मिलता है, जो कि कुछ लोगों को पसंद है और कुछ लोगों को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा भद्दा टाइप का भी देखने को लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी चाहते हो कि हमारे जो मोबाइल है उसके लॉन्चर में बीच में कोई आइकन हो और उस मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एकदम से सारे सारे ऐप जो है देखने को मिल जाए। यहाँ से आपके जो ऐप हैं वो सीधे के सीधे आपके होम स्क्रीन पर सारे के सारे ऐप दिखाई देते हैं, जो कि एक तरह से भद्दा भद्दा फील होता है, ठीक है, फ़ोन में। तो जिन लोगों को ये लॉन्चर पसंद है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको पसंद नहीं है वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, उनको बताया जाएगा कि आप किस तरह से जो है आपके मोबाइल के लॉन्चर को चेंज कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, किसी भी मोबाइल के लॉन्चर को आप चेंज कर सकते हो इजीली। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका प्ले स्टोर जो है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है रूटलेस लॉन्चर, ठीक है। रूटलेस लॉन्चर जो है आपको ऐसे सर्च कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ से मैं सीधा ओपन कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप रूटलेस लॉन्चर को जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये एक तरह से MI का जो लॉन्चर होता है उसके लॉन्चर से लिया गया है, ठीक है। तो रूटलेस लॉन्चर के साथ बहुत सारे लॉन्चर हैं, यहाँ पर आप उसको देख सकते हो, जैसे कि फायर लॉन्चर भी है, लेकिन आप सब लोग जो है मैं जो है सजेस्ट करूँगा वो रूटलेस लॉन्चर करूँगा, क्योंकि ये लॉन्चर मुझे बहुत ही पसंद है। और इस लॉन्चर की खास बात ये है कि आपको एक MI के लॉन्चर के जैसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस लॉन्चर को डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा आपके सेटिंग में जाना है, कोई ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं है। सीधा सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट सर्च करने के बाद डिफॉल्ट ऐप सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ से आपको डिफॉल्ट ऐप सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है जिस भी ऐप को डिफॉल्ट करना है वो सारे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं ऊपर होम स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से सिस्टम लॉन्चर जो है मेरा सेलेक्ट हुआ है। इसको अगर मैं नीचे रूटलेस पिक्सल लॉन्चर पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा जो डाउनलोड किया है वो वाला लॉन्चर जो है इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हो मेरा जो स्क्रीन है जो बिल्कुल चेंज हो गया है, और उसको अगर मैं ऊपर स्विप करता हूँ तो यहाँ से जो है मेरे सारे के सारे ऐप जो है शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर सारे के सारे ऐप जो थे सीधा दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो ऐप दिखाई तो दे रहे हैं, ठीक है। हम इनको यहाँ से हटा भी सकते हैं, जैसे कि ट्रिकॉलर है, इसको यहाँ से मैं सीधा रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी जो ऐप है उनको हटा सकते हो, और सीधा ऊपर स्विप करने पर सारे सारे ऐप आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग परेशान हो उस तरह से वीवो के जो भी लॉन्चर हैं उस वाले लॉन्चर से आप नहीं चाहते हो वो वाला लॉन्चर आपके फ़ोन में रहे, तो आप लोग जो है इस लॉन्चर को इंस्टॉल करके इस लॉन्चर की तरह आप लोग इसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो इस अगर मैं रूटलेस लॉन्चर को अगर मैं सिस्टम लॉन्चर पर क्लिक करता हूँ तो आपको मेरा पहले जैसा स्क्रीन हो जाता है, जैसा कि मेरा पहला सिस्टम में आया था ऑलरेडी वो हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से अपना रूटलेस लॉन्चर की तरह करना चाहता हूँ तो वापस से मेरे को सेटिंग में जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन में जाने के बाद सीधा मेरे को रूटलेस पिक्सल लॉन्चर पर क्लिक कर देना, और सीधा मेरा जो है आपका आइकन देख सकते हो सारे सारे चेंज हो चुके हैं, और यहाँ से जो है मेरे को बहुत ही अच्छा जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है मोबाइल का, जो कि सिस्टम जो है सिस्टम के जितने भी ऐप्स हैं वो मतलब एक तरह से थोड़ा भद्दे टाइप में नहीं दिख रहे, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोग इस तरह से आपके मोबाइल का लॉन्चर इजीली चेंज कर सकते हो। इसके साथ ही आप लोग चाहो तो और भी लॉन्चर जो है आपको मैं सजेस्ट करूँगा, फाइल लॉन्चर है, जैसे कि अगर आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको यूज़ में भी ले सकते हो, उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए। वैसे ही आप लोग कोई भी लॉन्चर जो है यहाँ से सर्च करने के बाद, ठीक है, सर्च करने के बाद इंस्टॉल करना है, और यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आप सीधा सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप होम स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ से आप नीचे ऑप्शन आ जाएगा, उसको सिस्टम पर क्लिक कर देना, तो आपका वो लॉन्चर जो है आपके मोबाइल में पूरी तरह इंस्टॉल होकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको लॉन्चर को सीधी किसी भी प्रकार से किसी भी मोबाइल में आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ओके गाइस।